ये देखिए, बाहर से है ये क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट और चीजी। ये बनते हैं बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स में मिलने वाले मैक पफ जैसे, या कहिए उससे भी टेस्टी। इसके अंदर की है हमने भरपूर फिलिंग, जो एक ही बाइट में देंगे आपको पिज्जा मिक्स का बढ़िया टेस्ट। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। आप लोगों ने मैकडॉनल्ड्स में मैक पफ तो खाया ही होगा, बस समझ लीजिए आज वही बनाने जा रहे हैं। इसे हमने नाम दिया है पिज्जा पफ। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बच्चे तो खुश होके खाते ही खाते हैं, बड़े लोगों को मौका मिल जाए तो वो भी इसको खाना नहीं छोड़ते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिज्जा पफ बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं यम्मी पिज्जा पफ। सबसे पहले तैयार करेंगे हम अपनी फिलिंग। उसके लिए पैन के अंदर लेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। उसके अंदर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन। इसके बजाय आप गार्लिक जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और इसको 20 सेकंड के लिए तेल के अंदर भून लेंगे। 20 सेकंड बाद हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम लहसुन और तेल के साथ भून लेंगे। हमें सिर्फ इसको इतना भूनना है कि इसका हल्का सा कच्चापन चला जाए, ज्यादा तेज इसको नहीं भूनना है, बस हल्का नरम हो जाए उतना ही इसको भूनना है। उसके बाद डालेंगे अपनी वेजीज। सबसे पहले डाल रहे हैं इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद डालेंगे इसमें बारीक कटा हुई गाजर, और गाजर डालने के बाद डालेंगे इसके अंदर हम स्वीट कॉर्न। तो डाल लिए हमने इसके अंदर तीनों वेजिटेबल्स और बन गया हमारा तिरंगा। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट पकाने से हमारे वेजिटेबल्स हल्के से नरम हो जाएंगे, और जब 2 मिनट इनको पकाते हुए हमें हो जाएंगे तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे, आप सबको पता ही होगा, नमक। और नमक क्यों डालेंगे? नमक डालने से हमारे वेजिज थोड़े जल्दी पक जाते हैं, थोड़ी जल्दी नरम हो जाते हैं। तो इसको हम मिला लेंगे और इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। इस वक्त हमारे वेजिटेबल्स हाफ कुक हो चुके हैं, ये आधे पक चुके हैं। अब डालेंगे अपनी सॉसेस। सबसे पहले डाल रही हूँ मैं इसके अंदर पिज्जा पास्ता सॉस। जो पिज्जा पास्ता सॉस आपके घर पे इजीली अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाली है फन फूड्स की पिज्जा टॉपिंग, जो इसको देगी थोड़ा पिज्जा फ्लेवर। उसके बाद डालेंगे हम टोमेटो केचप, उसकी भी लगभग 2 चम्मच, जो इसको देगी स्वीट फ्लेवर। और उसके बाद रेड चिली सॉस की लगभग 2 चम्मच, जो इसको देगी थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ओरिगैनो के लगभग 1 चम्मच, जो इसको देगी थोड़ा सा इटालियन फ्लेवर, और चिली फ्लेक्स अगर आप थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे हम 1 मिनट के लिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगा, लम्ब्स की तरह बनने लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉसी करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी। मैं यहाँ पे 3/4 कप पानी डाल रही हूँ, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी जरूर डालें जिससे कि ये ड्राई नहीं बनेंगे, थोड़ी सी सॉसी रहेगी। पर ज्यादा पानी ना डालें, उससे क्या होगा कि फ्राई के टाइम फिलिंग के बाहर निकलने का डर रहेगा। तो फिलिंग हमारी बनके तैयार है, वेजीज हमारी अच्छे से कुक हो गई है, बहुत सॉसी इसका टेक्सचर है। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है मोज़रेला चीज। मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीज डाली और उसको अपनी फिलिंग के साथ अच्छे से मिला दिया है। तो फिलिंग हमारी बनके तैयार है। अब हम बनाते हैं अपना डो। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, और उसके अंदर डाली है 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। और मैदे और नमक को हम हाथों से एक बार मिला लेंगे, और इसको मिलाने के बाद डालेंगे हम इसके अंदर घी। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून घी 1 कप मैदे के अंदर डाल रही हूँ। इसको मोइन भी बोलते हैं। इसको डालने से जो भी हम मैदे से कुछ बनाते हैं वो खस्ता बनता है। इसको हमें 1 मिनट तक मिलाना है, और जब इसको हम हाथ में लेंगे और ये बाइंड होना शुरू हो जाए, जैसा कि अभी हो रहा है, मतलब घी हमारा अच्छे से मिल गया है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम डालेंगे इसके अंदर धीरे धीरे करके पानी। बहुत ज्यादा पानी एक बार में नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका आटा गूंदना है थोड़ा सा सख्त, और पानी भी हमें थोड़ा ठंडा या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। गर्म पानी से इसको आटे को नहीं गूंदना है, तो इसको हमें सख्त गूंदना है, धीरे धीरे पानी डाल के गूंदना है। तो लो, आटा हमारा गूंद के तैयार है। तो इस आटे को हमें मलना है 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं गूंदेगा, ये ऐसा ही गूंदेगा। इसको हमें ढक के रखना है 1/2 घंटे के लिए, जिससे कि ये थोड़ा और नरम हो जाएगा। 1/2 घंटे ढक के रखने के बाद फिर से हम इसको 15 से 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा और मलेंगे।
तो आटा अब हमारा पिज्जा पफ्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इसको हम पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ इसको चार पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ, यानी कि इसकी चार बॉल्स बना रही हूँ। तो चार बॉल्स हमारी बन गई है, अब हम इनको बेलेंगे। उसके लिए मैं एक पोर्शन को लूंगी और उसको हथेली में गोल गोल रोल करूंगी, जिससे कि इसके थोड़े से क्रैक्स चले जाएंगे और इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्मूद हो जाएगा। और एक बार रोल करने के बाद फिंगर से इसको गोल गोल इस तरीके से घुमाऊंगी, जिससे एक छोटी सी रोटी बन जाएगी। और फिर रोलिंग पिन से इसको हम बेलेंगे। ये थोड़ा टाइट होता है तो उसको बेलने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप पेशेंस रखिए और इसको आराम से बेलिए। इसको हमें पतला बेलना है, बहुत ज्यादा मोटा इसको बेलेंगे तो फ्राई के टाइम ये फूलेगा नहीं, और बहुत पतला इसको बेल देंगे तो फिर फ्राई के टाइम ये फट जाएगा। तो ये देखिए, हमें इसको इतना मोटा बेलना है। और बेलने के बाद हम इसको शेप देंगे, तो नाइफ से हम कट कर लेंगे एक रेक्टेंगल, और जो पोर्शन साइड में कटा है फिकर मत करिए, इनको हम रीफॉर्म करके दोबारा से बेल लेंगे। और बीच में से कट करके हम उस रेक्टेंगल के बना लेंगे दो छोटे रेक्टेंगल। तो पिज्जा पफ की शीट हमारी बनके तैयार है, उसके ऊपर रख देंगे हम अपनी फिलिंग। मैं यहाँ पे एक चम्मच फिलिंग रख रही हूँ, उसको थोड़ा फैला रही हूँ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इसके एजेस अच्छे से सील हो जाएं तो उसके कॉर्नर्स पे लगा देंगे हम पानी। मैं यहाँ पे पानी ब्रश से लगा रही हूँ, आप इसको फिंगर से भी लगा सकते हैं। तो सारे कॉर्नर्स पे हमने पानी लगा दिया है, तो दूसरी शीट को हम अपनी एक शीट के ऊपर रख देंगे। और ये देखिए, पिज्जा पफ बस बनने ही वाला है। और अपनी फिंगर से प्रेस करके चारों साइड से इसको हम सील कर देंगे। ये सील करना बहुत जरूरी है, अगर हमारा पिज्जा पफ अच्छे से सील नहीं हुआ होगा तो फ्राई के टाइम में खुल जाएगा और हमारा पिज्जा पफ खराब हो जाएगा। इसको अच्छी शेप देने के लिए फोक से भी हम इसको एक बार चारों तरफ से इस तरीके से प्रेस कर देंगे, उससे शेप तो अच्छी आएगी ही आएगी, हमें एश्योरिटी भी हो जाएगी कि ये अच्छे से सील हो गया है। तो एक पिज्जा पफ हमारा बनके तैयार है, इसी तरीके से हम अपने बाकी के पिज्जा पफ्स को भी बना लेंगे। क्यों है ना ये पिज्जा पफ बनाना कितना सिंपल। तो लो, हमारा एक और पिज्जा पफ भी बनके तैयार है। ये देखिए, इसकी एजेस को हमने कर दिया है बहुत अच्छे से सील, और फिलिंग करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की, भर के इसके अंदर फिलिंग की है। तो लो, हमारे पिज्जा पफ इस तरीके से बनके तैयार हैं। तो एक कप मैदे में बने हैं हमारे 6 पिज्जा पफ। तो अब हम कर लेंगे इनको फ्राई। उसके लिए लेंगे एक पैन, उसके अंदर डालेंगे हम तेल, और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर डाल देंगे हम अपने पिज्जा पफ्स। मैं यहाँ पे एक बार में 2 पिज्जा पफ्स को फ्राई कर रही हूँ। पिज्जा पफ को हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, और आप देखेंगे कैसे हमारे पिज्जा पफ्स फूलने लग गए हैं। ये इसीलिए फूल रहे हैं क्योंकि जो हमने मैदे की शीट बेली थी उसकी जो हमने थिकनेस रखी थी वो बिल्कुल परफेक्ट रखी थी। जब एक तरफ से हल्के हल्के ब्राउन होने लग जाएंगे तो इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिख जाएं। हमारे पिज्जा पफ हो गए हैं बढ़िया गोल्डन ब्राउन, बस हमें इसी रंग का बनाना है अपने पिज्जा पफ्स को, बहुत ज्यादा इन्हें नहीं पकाना है, और फ्लेम को हमें थ्रू आउट मीडियम पर ही रखना है। तो इन पिज्जा पफ्स को हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको झड़का लेते हैं ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए, और किचन टॉवल पे इसको रख लेते हैं। तो ये पिज्जा पफ हमारे 2 बनके तैयार हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी के पिज्जा पफ्स को भी फ्राई कर लेंगे। इन पिज्जा पफ्स को देख के तो आ रहा है मेरे मुंह में पानी, मुझसे वेट नहीं हो रहा है कि कब ये बनेंगे और कब मैं इनको टेस्ट करूंगी। देखने में लग रहे हैं इतने क्रिस्पी, और फिलिंग तो इसके अंदर भरपूर है ही अंदर। ये देखिए, पिज्जा पफ का कलर कितना बढ़िया आया है, और एक भी पिज्जा पफ हमारा खुला नहीं है। उसका रीजन वही है, हमने इसकी सीलिंग बहुत अच्छे से की है, पहले पानी से और फिर फॉक से। मैं आपको एक पिज्जा पफ कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आवाज से ही पता लग रहा है कितना क्रिस्पी है ये, और अंदर इसकी फिलिंग, ओ माय गॉड, वेजीज बहुत अच्छे से पक गए हैं, और चीज, मजा आ गया देख के। ये बने हैं बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल वैसे जैसे मैकडॉनल्ड्स में मिलते हैं, कोई इन्हें कह नहीं पाएगा देख के कि ये घर पे बनाए हैं। पिज्जा पफ हमारे बन के तैयार है, मैं जल्दी से इनको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। इसका स्वाद ऐसा है मानो मैकडी से बस अभी होम डिलीवरी करवाई हो। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे पिज्जा पफ जरूर बनाएं, और आप जब भी बनाएं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस फटाफट जल्दी से कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।
मेरी और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आशिमास किचन। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं, तो जब भी आप बनाएं वहां से रेफर कर लें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखना और उन्हें ढेर सारा प्यार करना। हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।